हेलो गाइस, स्वागत है आपका मार्वल फ्यूचर रेवोल्यूशन की एक और वीडियो में, और कह सकते हैं अगली वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन वुल्वरीन से पूरी स्टोरी पार कर रहे हैं और सारे सुपर विलन्स को डिफेंड करने की वीडियो डालते जा रहे हैं। किसी को मेरे साथ पार करना चाहे वुल्वरीन से तो वो कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा लेट हूँ मैं, पर आराम से करो, गेम ही तो है, मज़े के लिए खेलना है। हाँ, वो बात अलग है, अगर आपको कॉम्पिटिशन के लिए खेलना है तो फिर आप मुझसे पहले ही पार कर चुके होगे। ठीक है, तो अब अगला मिशन आ गया है जो है कॉस्मिक थ्रेट। कॉस्मिक थ्रेट के दो विलन होते हैं, पहला होता है थानोस, और मेन विलन जो है जिसको अपन को पूरी तरीके से डिफीट करना है वो है मडोक। ठीक है, थानोस दूसरे डायमेंशन से आएगा मडोक के एक्सपेरिमेंट की वजह से। मडोक कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उस वजह से थानोस एक पोर्टल खुलेगा, उस वहाँ से थानोस आएगा। इसलिए हमें थानोस को पूरा नहीं मारना है, सिर्फ दो दो बार तक मारना है। ठीक है, उसके बाद सुपर विलन फिर से आएगा थानोस दूसरे मैप में, जंडास मैप में आएगा। उसके बाद फिर अपन वापस जाएंगे इसके पास, मडोक के पास, और फिर मडोक को जाके हराएंगे। ठीक है, तो बस यही है इसकी पूरी वो क्या कहते हैं थमरी। तो कॉस्मिक थ्रेट मिशन का नाम है। रिकमेंडेड पावर करंट पावर में आप अंदर देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, रही बात मिशन की, तो ये जो मिशन है इसके अंदर पहले अपन को थोड़े दुश्मनों को मारना होगा, मतलब छोटे छोटे विलेंस को, मॉब्स को। ये रहे, ठीक है, ये मडोक है जो पोर्टल खोल रहा है, ये उसकी साइंटिस्ट है, खास साइंटिस्ट लगती है कोई, इसका भी कोई नाम है, क्या नाम है इसका, हाँ साइंटिस्ट सुप्रीम। ये कभी सुपरमैन के रूप में नहीं आई है, पर ये अपन को उसमें मिलती है बैटल चैलेंज में और डार्क जोन में। वाह, कितना अच्छा मून लग रहा है, नाइस। यहीं पे थानोस होगा दूसरे यूनिवर्स का, जिसने सारी नोवा आर्मी को हरा दिया है, और यही थानोस अपन से लड़ने आएगा, और अपन को इसके सिर्फ दो बार ख़त्म करने हैं। ठीक है, ये रहा पोर्टल खुल गया, और अब थानोस इसमें जा रहा है। अब जैसे थानोस इसके अंदर जाएगा, दूसरी साइड अपने अर्थ पे निकलेगा, प्राइमरी अर्थ पे। ठीक है, और थानोस के प्रेजेंस से और ये पोर्टल खुलने से एकदम सब कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा, और डिसबैलेंस होने की वजह से जो भी है वो हो गया है, छोड़ो इसको, फालतू की बात है ना, कोई बात नहीं। अभी अपन चलते हैं, सिंपल विलेंस को मारते हैं, जब थानोस आएगा तब मैं आपको दोबारा मिलता हूँ। ठीक है, अभी के लिए टाटा, बाय बाय। ठीक है, तो हम मेन एक्सपेरिमेंट वाली लैब में आ गए हैं, और यहाँ पर हम इस साइंटिस्ट से बात करेंगे, और ये साइंटिस्ट हमें बताया कि हमने पोर्टल वोटर खोला है, पता नहीं बचाने के लिए खोला है, किसके लिए खोला है, पर जिसके लिए भी खोला है ये मरवाएगा, क्योंकि ये पोर्टल से आने वाला है थानोस, और ये लोग सब डर जाते हैं। फिर आयरन मैन भी अपना साइंटिस्ट है, वो भी कोशिश करता है पोर्टल बंद करने की, पर वो भी नहीं बंद कर पाता। और अब ये कह रही है कि मुझे कोई एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, जानते हो ना पावरफुल लोग सेंस कर लेते हैं दूसरे पावरफुल लोगों को, वही है। ठीक है ना, जैसे एक इंटेलिजेंट लड़का दूसरे इंटेलिजेंट लड़के को सेंस कर लेता है। जस्ट किडिंग। तो थानोस आ गया, और ये देखो बंदूकें मार रहे हैं थानोस पे, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को, है मरना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है, भागना नहीं आता इन लोगों को। कई कार ना कायर भी बन जाना चाहिए, जब पता है सामने वाला इतना खतरनाक है तो भाग लो ना। हाँ यार, वैसे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, मैं तो वही यार ब्रेव बंदों में है, शहीद की मौत मरेंगे बिल्कुल। चलो जो भी हो, सबकी सबकी सोच है, सबकी सोच को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, रही बात थानोस की, तो थानोस आती से टेलीपोर्ट होकर आपके पीछे मुक्का मारेगा। उसके बाद थानोस की खास बात है, ये साइड अटैक सीधे करता है, आपको जो भी अटैक करने पीछे जाके करें, मारा ठीक है, ये तो बहुत ही बेकार अटैक है, इसमें तो सामने रहे नहीं, ये आपको पास में बुलाएगा फिर ऊपर मारेगा, और ऊपर मार के देखो ये हवा में उड़ रहे दोनों, और फिर देखो ज़मीन पर चले गए बेचारे दोनों। ये देखो फिर से ये इधर गए, आपको किसी को पकड़ेगा, ये देखो ये हवाएं मारने का, ये हवाएं मारने का, और फिर हवा में कट मारने का। ठीक है, तो ये तीन अटैक एक साथ है दूर रेंज अटैक से। अब ये और भी बेकार गोला है, ये बाइंड कर देगा, अगर आप इसके अंदर रहे तो ना ही आप डॉच चला सकते हैं, ना ही आप मूव कर सकते हो, फिर आपको ये दूसरी ये पूरी बीम खानी पड़ेगी। इस बाइंड से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर आपका दो डोज हो, और दो डोज से आप क्या करें वो करें एस्केप स्किल यूज़ करें। अगर ये बाइंड का दोबारा चलाएगा तो मैं आपको करके बताता हूँ। वैसे ये जंडार का जब मेन सुपर विलेन आएगा ये तब भी करेगा, ठीक है ना। ओके, अब ये जो अटैक कर रहा है इसके अंदर ये पूरे एरिया को स्लो करवाएगा, लेकिन मेन अटैक जो डैमेज होगा वो सिर्फ इन लाइनों लाइनों में होगा, तो आप लाइनें लाइनों से दूर रहें। बस एक बार और, देख रहे हो चार बार हो गए, तीसरे बार पे जाते ये फिनिश हो जाएगा, तो करें इसको फिनिश। तो ये थानोस से कुछ अटैक थे, आती टेलीपोर्ट करना, कुछ कॉम्बैट अटैक चलाना, एक अपर कट सा मारना, और एक बीम चलाना बाइंड करके, और उसके बाद ये पूरा एरिया डैमेज करना। कहाँ गया वो टेलीपोर्टेशन चल रहा है, दो बार टेलीपोर्ट करेगा और दो बार मुक्के चलाएगा, एक बार कॉम्बैट पावर हो गई, अब अपर कट छोड़ो ना, बस बहुत हो गया, और क्या हरा दिया अपन ने, हरा तो क्या दिया। फिर मिला के थानोस ने कहा कि ओके तो तुम इतने ही बुरे नहीं हो, आई एम रादर डिसअपॉइंटेड, पर ये जरूर कह रहा है कि मैं डिसअपॉइंट जरूर हुआ हूँ, मतलब थानोस के हिसाब से हम बहुत ही वीक है, पर अपन ने इसके दो बार ख़त्म करे, हम वीक नहीं है, ये तो बस ये बड़े लोग ना ज़्यादा होशियारी मारते हैं अपने।
सही बता रहा हूँ मैं। चलो जो भी हो, थानोस को लगता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं तो जा रहा हूँ अभी, पर मैं इस वर्ल्ड को भी कॉन्कर करूँगा, मतलब इस वर्ल्ड को भी जीतूँगा और इस वर्ल्ड पे भी अपना राज काबिल करूँगा, नहीं काबिल नहीं करूँगा, राज स्थापित करूँगा। दैट्स ग्रेट। सो यही था थानोस, ठीक है। और अब हम चलते हैं अभी के लिए, क्योंकि यही है पहला सुपर विलन इसका, ठीक है। सो खत्म, बाय बाय। नेक्स्ट सुपर विलन मडोक है जो अपन अगली वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है।